रुक करते हैं विस्तार से गतिविधि की ओर। हमीरपुर के ठाकुर जगदेव चंद स्मृति शोध संस्थान नेरी में 23 और 24 नवंबर को राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश भर से सैकड़ों विद्वान भाग लेंगे। राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा 23 नवंबर को सुबह 10 बजे किया जाएगा, जिसमें पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ऋषि परम्परा विषय पर शोध पढ़े जाएंगे। हमीरपुर के ठाकुर जगदेव चंद स्मृति शोध संस्थान नेरी में 23 और 24 नवंबर को राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश भर से सैकड़ों विद्वान हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा 23 नवंबर को सुबह 10 बजे किया जाएगा। राष्ट्रीय संगोष्ठी में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ऋषि परंपरा विषय पर शोध पढ़े जाएंगे और समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित महोपाध्याय आचार्य केशव शर्मा करेंगे, जबकि उद्घाटन समारोह में महंत सूर्यनाथ ICHR के सदस्य सचिव प्रोफेसर कुमार रत्तम भी मौजूद रहेंगे। ठाकुर जगदेव चंद नेरी शोध संस्थान नेरी में नवंबर 23 और 24 को एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिसका मुख्य विषय रखा गया है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ऋषि परंपरा। हिमाचल प्रदेश का और ख़ास करके इस हिमालय क्षेत्र का जो इतिहास है वो हमारी प्राचीन परंपरा ऋषि परंपरा से जुड़ता है। महाराज मनु ने सृष्टि का जो सूत्रपात किया वो यहीं से किया, इसी भूमि से किया, मनाली से। और इसके अतिरिक्त हमारे जितने प्राचीन वैदिक और पौराणिक ऋषि हैं उनकी भी तपोस्थलियाँ और कर्मस्थलियाँ हमारी इसी भूमि में रही हैं। और आज के संदर्भ में भी हमारी जो ऋषि परम्परा है उनके जो संदेश हैं, उनके जो उपदेश हैं, उनका जो ज्ञान है वो अत्यधिक आवश्यक है आज के संदर्भ में, आज की समस्याओं के समाधान के लिए और हमारे प्राचीन इतिहास का ज्ञान करने के लिए ये ऋषि परंपरा पर शोध करना परम आवश्यक है। और इसी के दृष्टिगत नेरी शोध संस्थान जो कि समय समय पर इस प्रकार के संगोष्ठियां राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करता रहता है, तो इस वर्ष ऋषि परम्परा पर गोष्ठी आयोजित करके हमारे जो इतिहास के जो शोध के जो प्रणाली है, हमारी जो प्राचीन परंपरा है उसको प्रकाश में लाने का एक प्रयास किया जा रहा है। पत्रकार वार्ता के दौरान संगोष्ठी संयोजक डॉक्टर ओमदत्त सरोज ने बताया कि राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा 23 नवंबर को सुबह 10 बजे करेंगे और संगोष्ठी में ऋषि परंपरा विषय के ऊपर शोध पढ़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज के समय की समस्याओं के निवारण के लिए पुरानी परंपराओं का शोध अत्यंत जरूरी है और इसी के उद्देश्य को लेकर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। और इस संगोष्ठी में देश भर से लगभग 60 विद्वान भाग ले रहे हैं, उनके शोध पत्र प्रस्तुत हो रहे हैं और अपने शोध पत्रों के माध्यम से हमारे जो इतिहास की जो प्राचीन परंपरा है उसमें नए शोध और नए आयाम स्थापित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। उद्घाटन दिनांक 3 नवंबर 2019 को हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर जी करेंगे और इसके अतिरिक्त महंत सूर्यनाथ जी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे तथा समारोह के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता सोलन के प्रख्यात विद्वान आचार्य केशव शर्मा, जो कि राष्ट्रपति द्वारा विशेष विद्वान के रूप में सम्मानित हैं, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। और इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत सारे बुद्धिजीवी प्रतिष्ठित विद्वान भाग ले रहे हैं और 24 तारीख को इसका समापन होगा, जिसमें कि एक सामान्य परिचर्चा सत्र भी रखा गया है जिसमें सामान्य लोग भी और विद्वान लोग सामान्य परिचर्चा करके एक प्रश्नोत्तर रूप में उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर नेरी शोध संस्थान निदेशक चेतराम, इतिहासकार दिवाकर, शोध पत्रिका के संपादक राकेश शर्मा, कोषाध्यक्ष नरेंद्र कुमार नंदा भी मौजूद रहे।